दूसरे ओडीआई के बाद एक इंटरव्यू ने बहुत बड़ा सवाल पूछ लिया रोहित शर्मा से, क्या आप ये बैटिंग के बदलाव करेंगे, मतलब आप जिस तरह बैटिंग कर रहे हैं अपने आप को बदलेंगे या नहीं बदलेंगे पावर प्ले में। तो रोहित शर्मा ने कहा मैं बिल्कुल अपने आप को नहीं बदलूंगा, मैं जिस तरह खेल रहा हूँ मतलब पावर हिटिंग जो कर रहा हूँ पावर प्ले में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर बना रहा हूँ, मेरा अप्रोच इसी तरह रहेगा, मैं चाहता हूँ कि मेरी टीम में जो भी बाद में है उनको प्लस पॉइंट मिले, पावर प्ले में ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा स्कोर बना के दे सकूँ। तो इस बार दूसरे ओडीआई में 44 गेंद पर 64 ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के, उसमें से कुछ चक्के थे कुछ चौके ताबड़तोड़ थे। रोहित शर्मा को अगर छोड़ दे तो भारत के किसी भी बल्लेबाज ने बड़ा स्कोर नहीं बनाया दोनों ओडीआई मुकाबले में। रोहित शर्मा का ये अप्रोच 2023 से चल रहा है, मतलब जल्दी आके जल्दी रन बनाना जल्दी जल्दी, उसके बाद विराट कोहली जिम्मेदारी लेते या फिर केएल राहुल या दूसरे से ये जिम्मेदारी ले लेते बल्लेबाजी की। तो रोहित शर्मा के अप्रोच इसी तरह, हम लोग चाहेंगे कि भी इसी तरह चले ताकि प्लस पॉइंट मिले। रोहित शर्मा आपका फेवरेट है या विराट कोहली आप कमेंट करके बताइएगा, या कौन सा फेवरेट प्लेयर है आपके टीम में कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा इस वीडियो को।